हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सेहत राहत में। तो दोस्तों आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं वीकनेस के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपको वीकनेस रहता है, आपको किसी काम करने में मन नहीं लगता है, कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, या आप कुछ खाते पीते हैं, बहुत ही अच्छा खाते पीते हैं लेकिन फिर भी आपको सेहत नहीं होता है, दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ ऐसे डाइट, कुछ ऐसे फूड, कुछ ऐसे घरेलू टिप्स मैं बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी इस समस्या को, इस परेशानी को, इस बीमारी को बहुत ही आसानी से आपसे ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम के बारे में, इसके रीज़न के बारे में, इसके कारण के बारे में, कैसे आप जानेंगे कि आपको कमज़ोरी, वीकनेस हो गई है। दोस्तों इसका आपको बहुत ही जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको ऐसा लाल कलर का बटन नज़र आ रहा हो, उसे आपको सिंपली क्लिक करना है और बगल में घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर देना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे तो आपका उस मैसेज नोटिफिकेशन चली जाएगी और आपको कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसमें आपको पसीना बहुत ही आएगा, अगर आपको वीकनेस हो जाता है तो पसीना बहुत ही जल्दी आएगा, जल्दी थकान हो जाएगा, कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी थकान हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, चक्कर आने लगेगा, दुबला पतला शरीर हो जाएगा, कई बार आपको भूख भी नहीं लगती है और किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा और मर्दाना कमज़ोरी भी आपको आ जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आपके खान पान में गलत आदतों का होना और गलत चीज़ों का आप इस्तेमाल करना, नशा करना, ये भी आपके लिए एक रीज़न हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं इसके क्या इलाज हैं, क्या घरेलू इलाज है जिसकी मदद से आप इसे बहुत ही आसानी से कम पैसे में इसे आप ठीक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इसमें टिप्स है वो है देसी खजूर। जी हाँ दोस्तों, देसी खजूर शरीर में ताकत बढ़ाने का एक आसान तरीका है। खजूर के बीज निकाल लें, आप खजूर में मक्खन भर कर खाएं। इस उपाय को कुछ दिन निरंतर करने से, मतलब लगातार करने पर आपके शरीर में भरपूर ताकत और एनर्जी महसूस होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। दूसरा है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा भी बहुत ही फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। अगर आपका शरीर दुबला पतला है, कमज़ोर दिखाई देता है तो गाजर का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन गाजर के जूस का भी आप सेवन कर सकते हैं, या तो गाजर का हलवा बना लें, गाजर का जूस बना लें, या आप गाजर भी खा सकते हैं। अगला जो है वो दूध के ही जैसा दही भी है। जी हाँ दोस्तों, दूध के जैसा दही भी है। दही भी कमज़ोरी दूर करने में और स्टैमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ज़ुकाम हो, गला ख़राब हो तो दही का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो आप इसका दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैमिना और ताकत को बढ़ाने के लिए। दूसरा दोस्तों अगला जो है सुबह दूध के साथ एक केला हर रोज़ खाने से बॉडी में पावर बढ़ती है और चर्बी भी बढ़ती है। तो दोस्तों आप सुबह एक केला ज़रूर खाएं, केला आपको बहुत ही जल्दी एनर्जी देता है, ताकत देता है। केला के साथ आप दूध भी पी सकते हैं, ये और भी आपके लिए ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। दोस्तों अगला और जो आखिरी जो टिप्स है, अंकुरित दाल, चने, सोयाबीन दाल खाने से बॉडी को प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। इससे शरीर में ताकत आने लगती है और इसके साथ साथ आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपका पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाएगा तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपके बॉडी में लगेगा और आपको एनर्जी फील होगा और आपका बॉडी जो है, जो कमज़ोर लगता था, वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा और आप कर सकते हैं, रात में आप चने को डाल दें, ठीक है, चने को रात में पानी में भिगो दें, उसके बाद सुबह के समय आपको करना क्या है, इससे इस चने को, फूले हुए चने को आपको गुड़ के साथ खाना है। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और आपके बॉडी में एनर्जी फील हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ वो है पालक का जूस। जी हाँ दोस्तों, पालक का जूस अगर आप दिन में मॉर्निंग में सुबह के वक्त अगर आप पीते हैं तो आपको बॉडी में पूरी दिन भर एनर्जी बहुत ही रहेगी। इसके अलावा आप चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं या आप चुकंदर भी खा सकते हैं। ये आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगा और आप
आप खुद एनर्जी महसूस करेंगे और ताकत महसूस करेंगे, कमज़ोरी सारी गायब हो जाएगी। दोस्तों ये थे बहुत ही आसान टिप्स जो मैंने आपको बता दिए। अब आप इसे करेंगे और आप खुद फ़र्क देखेंगे कि आपका बॉडी में एनर्जी बहुत ही आ गई। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, सिंपली इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है। मैं और भी आपके लिए इस तरह का हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड।